वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज हम बात करेंगे द रियल ओजी ऑफ रूडीज रणविजय सिंह, उनका क्या कहना है प्रिंस और गौतम के बिहेवियर पे। तो एक इंटरव्यू में रणविजय से पूछा गया था कि ये जो बिहेवियर है प्रिंस और गौतम का, जो ये दोनों फाइट करते हैं, इस पे आपका क्या कहना है। तो रणविजय ने ये जवाब दिया था कि इनका जो बिहेवियर है बहुत ही अनप्रोफेशनल है और बहुत ही गलत है, बिकॉज़ जो रूडीज़ का शो है वो कंटेस्टेंट के लिए बना है। यहाँ पे कंटेस्टेंट आते हैं शाइन करने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, बट इन दोनों की वजह से इस सीज़न में ये रूडीज़ का सीज़न कंटेस्टेंट के नाम से नहीं जाना जाएगा, जैसे कि पहले रूडीज़ के सीज़न जो है कंटेस्टेंट के और विनर के नाम से जाने जाते थे। जैसे प्रिंस का सीज़न जहाँ प्रिंस विनर था वो प्रिंस और गौतम के नाम से जाना जाता है, कशिश वाला सीज़न कशिश के नाम से जाना जाता है बिकॉज़ वो खेला था अच्छा और वो जीता था। वैसे बसीर चाहे विनर नहीं था बट उसके नाम से भी जाना जाता है सीज़न। वैसे ही ये जो सीज़न है इसमें जो रूडीज़ आए वो बहुत पोटेंशियल रूडीज़ है, लेकिन यहाँ पे खुद गैंग लीडर्स लड़ते हैं, फाइट करते हैं, तो इन्होंने ये रूडीज़ का सीज़न अपने नाम कर लिया है। क्योंकि अब ये जो सीज़न है कर्म या कांड, वो किसी रूडीज़ के नाम पे नहीं जाना जाएगा कि या शिवित का सीज़न है, वाशु का सीज़न है, दिग्विजय का सीज़न है, पराक्रम का पीयू, ये किसी के भी नाम पे नहीं जाना जाएगा, बल्कि जाना जाएगा तो इस नाम पे जाना जाएगा कि ये वाला सीज़न जो था जिसमें गौतम और प्रिंस की लड़ाई हुई थी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म होता है कंटेस्टेंट का शाइन करने का, न कि गैंग लीडर्स को शाइन करने का सीज़न। सो ये था रणविजय का जवाब, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।